नमस्कार, एसएमजेड न्यूज इंडिया देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आरती, आपके साथ शुरुआत करते इस वक्त की 10 बड़ी खबरों के साथ। चंडीगढ़ पंचकुला बॉर्डर पर पुलिस से भिड़े आप वर्कर, महिला कोच के यौन शोषण के आरोपी मंत्री की बर्खास्तगी के लिए प्रदर्शन, गवर्नर को ज्ञापन देने के मुद्दे पर हुई झड़प। ITBP की 7 नई बटालियन बनेगी, 2 लाख पंचायतों में क्रेडिट सोसाइटी भी बनाई जाएगी। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को भी कैबिनेट की मिली मंजूरी। कोयम्बटूर ब्लास्ट केस में 3 राज्यों में NIA की छापेमारी, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के 7 ठिकानों पर रेड, ISIS का मिला कनेक्शन। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मरीज के लिए दिया अपना हेलीकॉप्टर, चंबा से एयरलिफ्ट करके युवक को टांडा अस्पताल पहुंचाया, अब खतरे से बाहर कट गया था गला। झारखंड में महाशिवरात्रि के तोरण द्वार पर बवाल, पलामू में 2 पक्षों में पत्थरबाजी, दुकानें फूकी, धारा 144 लगाई, इंटरनेट हुआ बंद। महाराष्ट्र के पालमगढ़ जिले में बड़ी घटना, लिव इन पार्टनर को मारकर प्रेमी ने बेड में छिपाई बॉडी, हत्या के बाद फर्नीचर बेचा, मुंबई से राजस्थान भागते समय MP में पकड़ा गया। दुनिया की सबसे बड़ी एविएशन डील, बोइंग से 220 और एयरबस से 250 एयरक्राफ्ट खरीदेगी टाटा, ग्लोबल मार्केट में प्लेयर बनने की तैयारी। BBC पर लगातार दूसरे दिन IT का सर्वे जारी, स्टाफ ने कहा हर सवाल का जवाब ईमानदारी से दे, अमेरिका का कुछ भी कहने से इनकार। जर्मनी में दर्जनों फ्लाइट्स कैंसिल, लुफ्तांसा एयरलाइंस के कंप्यूटर सिस्टम में खराबी, पिछले महीने US में हुई थी दिक्कत। तालिबान की धमकी से सहमा चीन, पाकिस्तान में काउंसलर ऑफिस पर ताला, नागरिकों से कहा पाकिस्तान में रहना खतरनाक। ये थी अब तक की खास 10 बड़ी खबरें, कल फिर हाजिर होंगे और भी नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए SMZ न्यूज़ इंडिया।